तो मेरा भाई ना आपका फैन है। अच्छा, ऐसा बाइक तो बड़ी मस्त है। हाँ। तो गाइस इसमें से जो भाई पेट्रोल निकला है, एक 2 लीटर की बोतल है और 2 लीटर की में से इतना सा पेट्रोल निकला है। तो गाइस एक बार तो मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई। फिलहाल दिन के बज चुके भाई 12:30 हैं। फिलहाल बस हम लोग नहा धोके रेडी हो चुके हैं। बाकी फिलहाल देख पा रहे हो तुम लोग, आज हम लोगों ने ब्लॉग को ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करा है। बाकी फिलहाल जो है भाई जोकर को हमने भी कुछ इस तरह से लगा रखा है एंड तुम लोग देख पा रहे हो हमारी जोकर कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे। बाकी गाइस थंबनेल देख के तो तुम लोग को पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो गाइस आज जो है हम लोग भाई जोकर का जो है माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ना बहुत लोग मुझसे ये पूछते रहते कमेंट सेक्शन में कि भाई इसका माइलेज कितना है, माइलेज कितना है। ठीक है, तो इसका जो माइलेज है वैसे तो भाई देखो मतलब 13-14 के अराउंड देती है। बाकी मैं तुम्हें एक बार अच्छे से एक बार आज करके दिखा देता हूँ इसको टेस्ट की एक्चुअल में इसका माइलेज कितना है। ठीक है, तो फिलहाल जो अभी हम लोग इसका जितना भी पेट्रोल है ना अंदर का वो सारा पेट्रोल बाहर निकालते हैं। थोड़ा ये ज्यादा नहीं है क्योंकि मेरे को उसको फ्यूल अप कराना ही था, तो इसलिए उसके अंदर थोड़ा बहुत पेट्रोल होगा 2-3 लीटर, तो उसे निकाल लेते हैं एंड उसका पूरी टंकी खाली करने के बाद उसके बाद इसके अंदर पेट्रोल डालेंगे 1 लीटर एंड उसके बाद चेक करके देखते हैं कि भाई इसका माइलेज असल में आता कितना है। अभी तो मैं कह तुम्हें लोकल भी दिखा रहा हूँ, बाकी हाईवे पे तो मतलब 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, बाकी फिलहाल अभी लोकल में कितना आता है वो तुम्हें फिलहाल अभी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, फिलहाल का इस वीडियो में जो नए है भाई चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में आपसे तुम्हें डेली ब्लॉग देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, बाकी फिलहाल जो है फटाफट से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो फिलहाल अभी भाई धूप आ चुकी है, देख सकते हो तुम लोग। तो अभी तक जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा था ना भाई उस टाइम पे धूप थी नहीं एंड अभी अचानक से धूप आ गई, तो फटाफट अभी जो है भाई इसको बाहर निकालते हैं, कोल्ड स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद इसका सारा पेट्रोल निकालते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे सामने निकालूंगा इसका पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल निकालते हैं उसके बाद जाके इसका माइलेज टेस्ट करते हैं। तो गाइस एक बार ऐसे ना पहले फटाफट से यहीं पे कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि बाहर कोल्ड स्टार्ट करूंगा तो फिर जो हमारी गली के कुत्ते ना भाई पीछे पड़ जाते रहे, तो इसीलिए इसको यहीं पे कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। फिलहाल जो है अभी GoPro की बैटरी है ना पूरी एकदम 100% है एंड फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बढ़िया करके। तो फिलहाल अभी सबसे पहले हम लोग को जाना भाई पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप के वहाँ से ना पहले इसका ना फ्यूल निकलवा लेते हैं जितना है। एक्चुअली मेरे पास ना पाइप नहीं था, नहीं तो मैं घर पे निकाल लेता। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो ना यहाँ पे 16.7 दिखा रहा है, बट ये ना रियल नहीं है। यहाँ पे ना 22 भी दिखाने लग जाता है, 30 भी दिखाने लग जाता है, लेकिन 30 तो भाई बहुत कम बाइकें देती है 30, और ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। एंड गाइस कुछ लोग है ना मुझसे कह रहे थे कि भाई आपसे मिलना है, मिलना करके। तो भाई हमें ना कुछ टाइम में है ना मीटअप करने वाले, तो है ना उसमें तुम लोग आ जाना भाई, तो उसमें सब लोगों से मिलेंगे बढ़िया करके। गाइस तो फिलहाल पेट्रोल पंप आने वाला है, तो फटाफट से है ना यहाँ से पाइप लेके इसका ना फ्यूल निकलवा लेते हैं। तुम पे पाइप पड़ा है क्या फ्यूल निकालने वाला? फ्यूल निकालने वाला पाइप है क्या? टंकी में से तेल निकालना है बोतल में नहीं है? और तो गाइज यहाँ पर तो है नहीं पाइप, आगे का कह रहे हैं। तो चलते हैं आगे को भाई, इस बंदे को देखो गाइज ये तो सफेद शर्ट में पेट्रोल निकालना है यार इसमें से। तो क्या हो गया? माइलेज टेस्ट करना है माइलेज। एंड बाकी गाइज देख पा रहे हो तुम लोग कितनी मस्त लग रही है अपनी जोकर, आए हाय। इसको ना बेचने का मन नहीं कर रहा मुझे ऐसे देख के, पता है। फिलहाल गाइस घर से ना मैं 2 बोतल लेके आ रखा हूँ, ये देख सकते हो तुम लोग। तो इन 2 बोतलों में इससे ज्यादा पेट्रोल तो होगा नहीं वैसे इसके अंदर, देख लेते हैं चलो। बाकी फाइनली जाके जो अभी पेट्रोल निकलने लग गया, अभी भैया ने इसे पहले ट्राई किया था ना तो पेट्रोल निकल नहीं रहा था, बट फाइनली जो अभी निकल चुका है। तो अभी ये दो बोतल है ना, दोनों बोतलें भर जाएंगी, उसका 1 लीटर डालेंगे एंड उसके बाद चेक करेंगे कि आखिरकार भाई जोकर माइलेज कितना दे रही है। ठीक है, तो फटाफट अभी निकल रहा है, बड़ी स्पीड से निकल रहा है अभी तो पेट्रोल, अभी तक तो निकल ही नहीं रहा था, अब देखो कितनी स्पीड से निकल रहा है। सो गाइस इसमें से जो भाई पेट्रोल निकला है, 1-2 लीटर की बोतल ये और 1-2 लीटर की में से इतना सा, बस इतना सा पेट्रोल निकला है इसमें से। बाकी इसके अंदर अभी जो है एक बार चेक कर लेते हैं, जितना बचा होगा सारा निकाल देंगे तो उसके बाद इसमें से 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद चेक करते हैं कि कितना चलती है। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस एक बार ना अभी इसका आगे जाके ना सारा एक बार इसका पेट्रोल खत्म करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत जितना बचा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई इस तरफ को, क्योंकि इस तरफ को ना खाली रोड मिलता है, इस तरफ को ना भीड़ वगैरह रहती है इसीलिए। तो अभी ना वैसे थोड़ा सा आगे जाके ना खत्म हो जाएगा इसका पेट्रोल, तो वहां से ना ट्रिप जीरो कर लेंगे। अरे
बुबू रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आज मैं शायद ना फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ इस तरफ को। अभी गाइस इसका पेट्रोल है ना कहीं भी खत्म हो सकता है। भाई दूर दूर से रिएक्शन आ रहे हैं, ये देखो भाई तुम लोग खतरनाक। मैंने सर लो गियर पे चला रहे हैं क्योंकि जितना लो गियर पे चलाएंगे ना भाई उतना ज्यादा पेट्रोल यूज करेगी ये। एंड हम लोग को अभी ना इसका पेट्रोल खत्म करना है। एंड बाकी यहाँ पे ना अभी बहुत तेज धूप आ रही थी तो अभी देख पा रहे हो तुम लोग का मस्त हो चुका है मौसम। भाई कब होगा इसका पेट्रोल खत्म यार। ओके गाइस तो इसने झटका मारना शुरू कर दिया, ये देखो भाई। चलो भाई खत्म हो रहा है फाइनली पेट्रोल। ये देखो भाई झटका मारना शुरू कर दिया इसने। चलो 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 गाइस चलो पेट्रोल खत्म होने लग गया, थैंक गॉड यार। ये देखो भाई, ये देख सकते हो भाई तुम्हारे सामने चेक करके दिखा दिया। तो अभी फिलहाल इसको यहाँ पे रोक लेते हैं एक बार एंड यहाँ से भी इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। भाई मुझे तो लग रहा था पता नहीं कब खत्म होगा करके। चलो फाइनली जो है पेट्रोल खत्म हो चुका है गाइस। तो गाइस फिलहाल जो है इसका पेट्रोल वगैरह है ना पूरा अच्छे से खत्म हो चुका है। गाइस एक बार तुम्हें इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखो भाई। सो गाइस फाइनली जो है इसका पूरा पेट्रोल खत्म हो चुका है, पूरा एम्प्टी। अब इसके अंदर है ना अब 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं उसके बाद चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले भाई पेट्रोल निकालते हैं बैग में से। तो इस वाली बोतल में से गाइस ये गाइस ये बोतल भाई 2 लीटर की है पेट्रोल में, तो इतना पेट्रोल डालेंगे बस हम इसके अंदर। इसके बाद चेक करेंगे कि कितना माइलेज आ रहा है। चलो गाइस तो फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल जो है फाइनली इसके अंदर आ चुका है, तो अभी इसे रख लेते हैं आगे काम आएगा। चेक करते हैं भाई कि कितना माइलेज दे रही है ये। सुपर बाइक्स भाई तुरंत बंद हो जाती है जैसे कि तुम लोगों ने देख लिया, वहाँ पे इसने झटके मारने शुरू किए थे एंड मुश्किल से है ना भाई 300 मीटर भी नहीं चली है उसके बाद बंद हो। यहाँ से मैं ना अभी इसका ट्रिप जीरो कर देता हूँ सबसे पहले। ओके गाइस जो ट्रिप है मैंने देख सकते हो भाई तुम लोग जीरो कर दिया है, तो अभी फिलहाल जो है चलते हैं। हाँ जी भाई बढ़िया बढ़िया भाई। मेरा भाई ना आपका फैन है। अच्छा ऐसा बाइक तो बड़ी मस्त है। हाँ हाँ तो मैंने आपको दिव्यांश व्लॉग में देखा था। अच्छा थैंक यू। हाँ कमलेश द MKP बाइक तो भैया बढ़िया है, मैं पहली बार देखा। थैंक यू भाई थैंक यू यार। व्लॉग बना रहे हो आप? हाँ मैं व्लॉग बना रहा था, मैं माइलेज टेस्ट कर रहा था एक्चुअली इसका। हाँ अरे बिल्कुल भाई यार बिल्कुल। अच्छा कहाँ रहते हो तुम? यहीं रहते हो? अच्छा खींच लो भाई फोटो। अरे बिल्कुल लाओ मैं खींच देता हूँ फोटो। अरे कोई बात नहीं भाई। ओके थैंक यू। मैं भाई होता ना अभी वो ज्यादा एक्साइट होता ना। कोई नहीं तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं आता रहता हूँ इस तरफ को। आप वैसे रहते हो? मैं कटघरिया में रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा कटघरिया, फिर मिलते हैं। ओके बड़ी ओके। गाइस अब एक भाई मिल गया हम लोग को, तो लगा पहले भाई बंदे को टर्न लेना होगा लेकिन वो हमसे मिलने के लिए रुका हुआ था। भाई बहुत सारा प्यार है तुम लोगों को, तो भाई को फोटो खिंचानी थी, मैंने कहा खिंचा लो भाई कोई दिक्कत नहीं तुम्हारी भाई के। भाई ये लोग जब भी तुम मिलते हो ना कभी मुझसे पूछा मत करो कि भैया इसमें वीडियो बना ले या फोटो खींच ले, तुम्हें ना सीधा बैठ के सीधा बोला करो भैया वीडियो बनानी है या सीधा बैठ के वीडियो बना लिया करो। क्योंकि पता है क्या भाई तुम लोगों के लिए मैंने ये चीज दी है ना, तुम लोग फिर ना पूछा मत करो कि तुम्हारी चीज है भाई, जब मर्जी वीडियो बनानी तब बना रहो। बाकी गाइस मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है भाई ऐसे लोगों, मतलब भाई लोग मिलते रहते हैं ना अपने साथ के तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता था कि हल्द्वानी भी मतलब मुझे लोग देखते। तो फिलहाल जो है इसका ट्रिप जीरो हमने कर दिया था एंड अभी जो है भाई ये 0.9 मतलब 1 किलोमीटर होने वाली है, तो अभी चेक करते हैं कितना किलोमीटर चलती है। अभी गाइस मम्मी ने ना मुझे एक तो काम भी दिया था मेरे को ना, ATM से कैश लेके आना है, तो अभी मैं सोचा कि भाई यहीं से ना आगे से कुसुम केयर से निकलते हुए ATM की तरफ को चलते हैं, वहाँ से ना कैश भी ले लेंगे एंड फिर वहाँ से सीधा घर को चले जाएंगे। तो उसी बीच है ना चेक कर लेंगे कि ये कितना चलती है। फिलहाल है ना 2.2 किलोमीटर चल चुकी है, तो अभी लेट्स सी गाइस कितना चलती है, बाकी अभी पता लग जाएगा सामने तुम्हारे। एंड मैंने भाई आज तक इसका कभी ना चेक नहीं कराया माइलेज, तो फर्स्ट टाइम ही मैं भी चेक कर रहा हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर तुम्हें भाई फुल टैंक पे कितना माइलेज आता है उसकी वीडियो चाहिए तो भाई मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। रैश राइडिंग में मतलब आराम से चलाने में मतलब टोटल में कितना माइलेज आ जाता है इसका 1 लीटर पे वही चेक कर रहे हैं फिलहाल अभी हम लोग। अभी तक वी हैव कवर्ड 3.9 किलोमीटर मतलब अराउंड 4 किलोमीटर अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। देखते हैं कि अभी कितना चलती है ये।
गाइस फिलहाल अभी हम लोग ना कुसुमखेड़ा चौराहे पे पहुंचने वाले हैं एंड बैंक आने वाला है जस्ट। एंड अभी फिलहाल जो है गाइस ये 9.9 मतलब पूरे 10, ये देखो भाई पूरे 10 किलोमीटर चल चुकी है एंड अभी तक भी मतलब इसने एक भी झटका नहीं मारा है। तो अभी देखो भाई मे भी है ना भाई 3-4 किलोमीटर और चलेगी, बाकी लेट्स सी कितना चलती है। चलो आज तो मैं पार्किंग भी खाली मिल गई पूरी, क्या बात है, क्योंकि आज संडे है ना, बैंक बंद है, इसलिए आज यहाँ पे भीड़ नहीं रहती है। कैश वगैरह भी हम लोगों ने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो अब चलते भाई फटाफट से एंड लेट्स चेक द माइलेज। रिएक्शन तो भाई बड़े खतरनाक खतरनाक आते हैं, मेरे को पता है एक वीडियो में इतना कुछ मिल जाता है कि मैं ना कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि भाई आखिर थंबनेल में डालूं क्या, मुझे ना इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है मेरी वीडियो में, ना इतनी एपिक चीजें हो जाती हैं। घर भी आ गया एंड अभी तक बंद नहीं हुई भाई। अब तुम्हें भाई इसका एक्चुअल माइलेज मैं अपने आप से बता देता हूँ, क्योंकि है ना ये बंद नहीं होने वाली लग रहा है भाई। अभी देख सकते हो 14.9 किलोमीटर मतलब 15 किलोमीटर हो चुका है पूरा। तो गाइस इसका जो माइलेज है ना भाई, ये मान के चलो कि तुम अभी इस तरह से 1 लीटर के पेट्रोल में लोकल में 16-17 का इसका माइलेज है, मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर और ये चलेगी, इतना तो खैर मुझे पता लगी गया। 1 किलोमीटर के बाद गाइस ये बंद हो जाएगी, वैसे भी 15 किलोमीटर चल चुकी है मतलब 16 और 17 हो जाएगी मैक्स, ठीक है। तो मतलब 16-17 का माइलेज इसका लोकल में है, तो बाकी देख सकते हो तुम। ये है भाई Z900 2018 मॉडल एंड इसका जो माइलेज है गाइस वो है 16-17 किलोमीटर 1 लीटर के पेट्रोल में, वो भी लोकल में रैश ड्राइविंग के साथ। देख सकते हो भाई मजा आ गया भाई इसका माइलेज चेक करके एकदम। फिलहाल अभी जो है भाई हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, होप कि तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि तुम ब्लॉग को सुना होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को जाकर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ। बाकी भाई इसी तरह की अगर तुम्हें टेस्टिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दिया करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो ले आएगा, ठीक है। तो फिलहाल तब तक के लिए बाय।